हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अन प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हाँ, UPSSC की तरफ से हम कुछ अपडेट आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत सुस्त इस समय कार्य कर रहा है। जब से नए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, तब से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ ज़्यादा ही सुस्त प्रक्रिया में नज़र आ रहा है। पूरे जनवरी माह कैलेंडर नहीं जारी किया, उसके बाद फरवरी माह में कैलेंडर इन्होंने जारी किया, उसके बाद अभी तक कैलेंडर जारी करने के बाद भी अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल के आ रही। एक हफ्ते बीत चुके हैं। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उम्मीद है कि एक शाम तक नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर, बड़ी खबर आप सभी के सामने आ रही है। चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कई विज्ञप्तियों की नोटिस जारी करने का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कान में जूं तक नहीं रंग रही है। लेकिन अभी आज जो हमें अपडेट मिल रही है, वो एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए मिल रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वीडियो का धरना समाप्त हो चुका है और वीडियो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी शुरू होने की संभावना जताई जा रही। उसके अलावा हम बात करें अन्य भर्तियों संबंधित, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो खबर मिल रही है हमें, आज शाम तक एक नोटिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, कौन सी नोटिस हो सकती है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आज शाम तक नोटिस नहीं जारी होती तो कल शाम तक निश्चित रूप से, लेकिन एक नोटिस कल शाम तक या आज शाम को पूरी उम्मीद है। अगर आज शाम को किसी वजह से नहीं जारी हो सकी तो कल शाम तक आपको नोटिस निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर। आप लगातार विजिट करते रहें वेबसाइट पर। तो फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं कि कौन सी नोटिस हो सकती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में काफ़ी रिजल्ट पेंडिंग है। उम्मीद है कि जो नोटिस जारी होगी वो रिजल्ट से संबंधित होगी और एक रिजल्ट आज शाम तक या कल शाम तक आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। वो कौन सा रिजल्ट हो सकता है, तो हम बता दें कि वो या तो लोअर टो का रिजल्ट हो सकता है या तो कोई अन्य भर्ती का, एग्रीकल्चर TA का भी ज़्यादातर संभावना है कि रिजल्ट जारी हो सकता है, या फिर किसी और भर्ती का। लेकिन निश्चित रूप से आपका आपको एक रिजल्ट देखने को इसी सप्ताह यानी कि आज या कल तक देखने को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप लगातार वेबसाइट पर विजिट करते रहे, आपको एक जल्दी एक नोटिस देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वीडियो के धरने के बाद काफ़ी दबाव में है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी वहां पे धरने पे पहुंच गए थे और वहां पे कई न्यूज़ चैनल्स में भी ये प्रकाशित ये जो खबर थी वो छापी थी, जिसको आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स की वीडियोज। तो वहां पे आपको हम आपको अपडेट लगातार हम देते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में क्या चल रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक रिजल्ट उम्मीद है कि आज शाम तक या कल शाम तक आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आज शाम तक या कल शाम तक आपको निश्चित रूप से एक नोटिस देखने को मिल जाएगी और आपका इंतज़ार जो काफ़ी दिनों से रिजल्ट का चल रहा है वो भी खत्म होने की संभावना जताई जा रही। तो इंतज़ार करिए और लगातार वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, कोई और अपडेट मिलने पर हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।